देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट को लेकर बहस हो रही है। मामला ईवीएम के डेटा से वीवीपैट पर्चियों के 100% मिलान की मांग से जुड़ा है। इस दौरान सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग वीवीपैट मशीनों से पर्चियां निकालते दिखाई दे रहे हैं। इसे शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि वीडियो 19 अप्रैल को हुई पहले चरण के चुनाव का है। इंस्टाग्राम पर द वॉइस ऑफ ऑल नेशंस नाम के एक पेज ने वायरल वीडियो को शेयर किया है। कैप्शन में लिखा, खुलेआम लोकतंत्र की हत्या होते हुए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मौसम खान नाम के व्यक्ति ने भी वायरल वीडियो को शेयर किया। लिखा, 19 तारीख में जो चुनाव हुए, चुनाव के बाद ईवीएम जहां फुल सिक्योरिटी में रखी जाती है, वहां से वीवीपैट से पर्चियां चुराई जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी पर्ची डलवा रही है। इसके अलावा वीडियो को कई यूजर्स ने हमारे पड़ताल के टिप लाइन नंबर 9899881311 पर भी भेजा है। उनका भी कहना है कि वीडियो 19 अप्रैल को हुए चुनाव का ही है। क्या वीवीपैट मशीन से पर्चियां निकाले जाने का वायरल वीडियो लोकसभा चुनाव से जुड़ा है? वीडियो के एक की फ्रेम को रिवर्स सर्च करने पर हमें एक्स पर दिसंबर 2022 में किए गए कई ट्वीट्स मिले। इनमें यही वायरल वीडियो देखा जा सकता है। यहां बताया गया है कि वीडियो गुजरात के भावनगर का है। तब गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद इस वीडियो को शेयर करके ईवीएम में धांधली का आरोप लगाया गया था। तब भावनगर के जिला अधिकारी ने इन आरोपों को भ्रामक बताया था। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार काउंटिंग खत्म होने के बाद पर्चियों को वीवीपैट मशीन से निकालकर उन्हें काले रंग के लिफाफे में सील कर दिया जाता है, जिससे उनका इस्तेमाल अगले चुनाव में किया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाती है, साथ ही इसकी एक कॉपी स्ट्रांग रूम में और दूसरी संबंधित DIO के पास रखी जाती है। भारतीय चुनाव आयोग ने भी हाल के ट्वीट पे अपना बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट कर वीडियो के साथ किए जा रहे दावे को भ्रामक बताया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हैंडल से 23 अप्रैल को किए गए ट्वीट के अनुसार सोशल मीडिया पर लोकसभा चुनाव का बताकर यह वीडियो शेयर किया जा रहा है, जहां ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों के छेड़छाड़ का दावा किया जा रहा है। यह दावा पूरी तरह से झूठ और निराधार है। वीडियो पुराना है और यह चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार गिनती के बाद की प्रक्रिया है, जिसे DIO भावनगर ने 15 दिसंबर 2022 को पहले ही स्पष्ट कर दिया है। मतगणना पूरी होने के बाद वीवीपैट से पर्चियों को निकालकर अलग करने की प्रक्रिया चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार की जाती है। ये हर चुनाव के बाद किया जाता है। इसके बारे में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी विस्तार से लिखा है। तो कुल मिलाकर वीवीपैट की पर्चियों से छेड़छाड़ किए जाने का दावा भ्रामक है। वायरल हो रहा वीडियो दिसंबर 2022 का है, जिस पर प्रशासन की तरफ से उस वक्त ही स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। इस वीडियो में इतना ही है। पड़ताल आपके लिए की थी हमारे साथी शुभम ने। देश दुनिया की तमाम खबरें देखते रहे ललन टॉप में। शुक्रिया।